एक जादुई सुनहरा पेड़ प्रकट कर देता है। वह जादुई पेड़ वहाँ से उड़कर जाता है, एक गांव में जाकर एक सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है, एक फल तोड़ता है और खा लेता है, अपने आप गुफा की तरफ निकल पड़ता है। वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो जाता है। एक गांव में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक दुष्ट चुड़ैल इंसानी रूप में रहती थी। उस झोपड़ी के नीचे एक भूमिगत गुफा थी। वह चुड़ैल उस भूमिगत गुफा में जाती थी और वहाँ इंसानों को मार कर खा जाती थी। चुड़ैल अब बूढ़ी हो गई थी, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। वह अब अपना शिकार नहीं पकड़ सकती थी। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी तो एक दिन वो काली घाटी में जाती है और काली घाटी में जाकर वो हवन करने लगती है। वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से हवन शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उस हवन की अग्नि से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है। वह राक्षस चुड़ैल से पूछता है, हे चुड़ैल, बता तेरी क्या इच्छा है? मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। बोल तेरी क्या इच्छा है? चुड़ैल बोलती है, हे राक्षसों के सरदार, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। हा, 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 हा। अगर आप मेरी पूजा से इतने ही प्रसन्न हुए हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मैं अपना शिकार खुद नहीं पकड़ सकती हूँ। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। चुड़ैल की ये बात सुनकर राक्षस अपना एक हाथ आगे करता है और अपने जादू से एक जादुई सुनहरा पेड़ प्रकट कर देता है। फिर वह चुड़ैल को बोलता है, हे दुष्ट चुड़ैल, ये ले, ये जादुई पेड़ ले जा। ये जादुई पेड़ तेरी शिकार पकड़ने में सहायता करेगा। जो भी मनुष्य इस जादुई पेड़ के फल खाएगा, वो सम्मोहित हो जाएगा और अपने आप तेरे पास खिंचा चला आएगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है। वो पेड़ पाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। वह चुड़ैल उस पेड़ को लेकर अपनी भूमिगत गुफा में जाती है और वहां उस पेड़ को रख देती है। कुछ समय बाद चुड़ैल को बहुत भूख लगती है और वह उस जादुई पेड़ से बोलती है, जा मेरे जादुई पेड़, जा और मेरे लिए खाना लेकर आ। हा। उसकी ये बात सुनकर वह जादुई पेड़ वहाँ से उड़कर जाता है, एक गांव में जाकर एक सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल उग जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उस पेड़ पर लग जाते हैं। कुछ समय बाद उस रास्ते पर से दो गांव वाले रामू और श्यामू गुजर रहे होते हैं। श्यामू देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। वह देखकर रामू से बोलता है, अरे रामू, वो देखो कितना सुंदर पेड़ है और उस पेड़ पर तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं और साथ में हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ है। चलो चलते हैं और उस पेड़ पर से सारा धन ले लेते हैं। रामू बोलता है, अरे यार, इस रास्ते पर ये पेड़ मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है ये कोई मायावी पेड़ है। श्यामू, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए। श्यामू बोलता है, अरे यार, तुम तो वैसे ही डर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, लगता है भगवान ने हमारे लिए ही ये पेड़ भेजा है। चलो चलते हैं, इस पेड़ को पाकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रामू बोलता है, श्यामू, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर रामू घर की तरफ निकल जाता है, परंतु श्यामू के मन में लालच आ जाता है। वो पेड़ की तरफ जाता है और उस पेड़ पर से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तोड़ लेता है। वो तोड़कर उसे भूख लग जाती है। वो उस पेड़ पर से एक फल तोड़ता है और खा लेता है। जैसे ही श्यामू वो फल खाता है, वो थोड़ी देर में सम्मोहित हो जाता है और अपने आप गुफा की तरफ निकल पड़ता है।
उधर वो पेड़ भी वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही श्यामू भूमिगत गुफा में पहुँचता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार कर खा जाती है। इस तरह धीरे धीरे हर रोज चुड़ैल उस जादुई पेड़ की सहायता से किसी ना किसी गाँव वाले को पकड़ लेती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। चुड़ैल के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में से लोग गायब होने लगते हैं। इस बात से गांव के मुखिया बहुत चिंतित हो जाते हैं। गांव वाले भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो सब मुखिया जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं कि गांव में हर घर में से कोई ना कोई गायब हो रहा है। मुखिया जी बोलते हैं, मुझे लगता है हमारे गाँव में किसी भूत प्रेत का साया है। ये सब काम कोई भूत प्रेत ही कर रहा है। मैंने आज ही गांव के पुजारी बाबा को बुलाया है। जैसे ही वो आ जाएंगे वो हमें सारी बात बता देंगे, क्योंकि हमारे गांव में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। कुछ समय बाद गांव के पुजारी बाबा वहां आ जाते हैं। वो अपनी शक्तियों से ये देख लेते हैं कि ये सब काम वो चुड़ैल कर रही है। पुजारी बाबा बोलते हैं, मुझे लगता है हमें नागराज को बुलाना होगा। केवल वही इस चुड़ैल का अंत कर सकता है और हमारे पूरे गांव को बचा सकता है। वो जल्द ही नागराज को बुला लेते हैं। नागराज गांव में आ जाता है और मुखिया जी से पूछता है, बताइए मुखिया जी, क्या बात हो गई जो आपने मुझे यहाँ बुला लिया। मुखिया जी सारी बात बता देते हैं कि किस तरह एक चुड़ैल ने पूरे गाँव में आतंक मचाया हुआ है और गाँव वाले एक एक करके गायब हो रहे हैं। नागराज मनुष्य का रूप धारण करता है और उसी तरह एक फल तोड़कर अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो फल तोड़ता है, वो जादुई पेड़ भूमिगत गुफा की तरफ चल पड़ता है। नागराज भी उस पेड़ के पीछे पीछे सम्मोहित अवस्था में चल पड़ता है। जल्दी ही वो उस भूमिगत गुफा में पहुंच जाता है। वो देखता है सामने चुड़ैल बहुत ही खुखार अवस्था में खड़ी होती है और चुड़ैल बोलती है, आ गया मेरा शिकार, अब मैं इसे खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। मेरे जादुई पेड़, तुम मेरी सेवा इसी तरह रोज करते रहना और रोज मेरी भूख मिटाते रहना। उसकी ये बात सुनकर नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और वो चुड़ैल से बोलता है, हे दुष्ट चुड़ैल, बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। तुमने सारे गांव वालों को परेशान करके रखा है, अब तुम्हारा आतंक इस गांव पर नहीं चलेगा। चुड़ैल बोलती है, नागराज तुम आ गए, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल नागराज जल्दी ही चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का तीव्र वार करता है और चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देता है। जैसे ही चुड़ैल की जीवन लीला समाप्त होती है, वो पेड़ भी वहां से गायब हो जाता है। तो इस तरह नागराज चुड़ैल के आतंक से गांव वालों को बचा लेता है और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।